देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बने। बहुत प्रसन्नता है कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए उपेंद्र जी ऐसा। बोर्ड की बैठक थी उसमें तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि ये आरजेडी में दिखा रहा है कि आरजेडी का नाश तय। बहुत प्रसन्नता है कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए उपेंद्र जी ऐसा, अर्थात बिहार को आरजेडी बचाएगा और तेजस्वी को नेता, जो आज हमारे प्रतिपक्ष हैं उन्हीं के नेतृत्व में बिहार को चलना चाहिए। अब तो उपेंद्र के समझ में आ गए, कम से कम कुर्सी छोड़कर हटें, नीतीश कुमार हटें, बिहार को बचाने आदमी व्यक्ति का नाम है तेजस्वी। पर जिस तरह से कल सर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी उस वक्त आप भी अचानक निकल गए। एक बात तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग दिन भर यहाँ बैठे रहते हो कि कई काम करते हो। बोलो सुनो, बिहार का नेता प्रतिपक्ष है और बिहार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष, अनेक काम करने पड़ते हैं, सारा इंतजाम सब चीज यहाँ से किया हुआ है, लेकिन क्या एक ही काम है कि और काम है? अनेक काम है, किसी दिन जानोगे वो क्या कर रहे थे, किसी दिन जानो कि मैं क्या कर रहा था। कल जाने वाले थे बाहर, अनेक सहयोग की चर्चा हम लोग के बीच में बाकी थी, कोई राष्ट्रीय जनता दल में जो थोड़ा सा विभेद दे रहा है मैं उसको मूर्ख कह रहा हूँ। तेजस्वी नेता हैं, तेजस्वी नेता रहेंगे, आरजेडी में किसी तरह की परेशानी नहीं है, इसलिए जो आरजेडी के बारे में अच्छी राय रखते हैं मैं उनके प्रति शुभकामना उपेंद्र जी के करता हूँ कि बाकी समझ में तो आया आपको। पर तेजस्वी यादव भी सर कल पटना पहुंचे थे काफी दिनों के, कल तेजस्वी यादव भी काफी दिनों के बाद पटना पहुंचे थे और पर राजद कार्यालय नहीं पहुंचे, तो समझ लो कई दिन के बाद आए थे और जाना था शाम को, आए थे दोपहर में, शाम को जाना था 5-7 दिनों के लिए। भारत की तरफ से भविष्य के भारत की चर्चा करने तेजस्वी नाउ ओनली नॉट लीडर ऑफ द स्टेट, आई द लीडर ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स, उस काम वो काम मेरा हल्का है क्या, उस पर डिस्कशन नहीं होंगे क्या? 5 घंटे लगे कल डिस्कशन में और मैं अचानक नहीं गया, देखते थे ना मेरे हाथ में लिफाफा थी, आप लोग देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, खाली खिड़की छटकाना जानते हो, इसे जरा जान लो। जिम्मेवारी जिनके पास है उनके पास काम भी अधिक है, बैठक की सारी चीज़ें तय थी, बैठक बुला दिया गया था, बैठक में लोग बैठा दिए गए थे, सभी सम्मानित साथी बैठक में चर्चा, अरे आप लोग तो ये भी कहा कि मैं वहाँ पर गया और निकल आया, मैं चला गया, क्या क्या बिहार को मत धोखा दो, आप अपने खिलाफ धोखा दे रहे हैं, राजद इंटैक्ट। जेडीयू कह रही है कि जगदानंद सिंह को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था और उनको नहीं भेजा जा रहा है। अरे मेरी भाषण, जगदानंद को जितनी सभा में जाना था हो चुका, अब नई पीढ़ी को जाना है। मैं लोगों की तरह पलटू राम हूँ क्या? कुर्सी नहीं तो पलट गया, कुर्सी नहीं तो पलट गया। राजद को बनाने से लेकर के आज तक किसी न किसी रूप में संभालने का काम मैं करता रहा, क्या मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा? ये नई पीढ़ी क्या करेगी, नई पीढ़ी क्या करेगी? इनकी जिम्मेवारी है बिहार का नेतृत्व दें, हम लोग का काम है नेतृत्व को सुदृढ़ करें, मजबूत करें और पार्टी को ताकतवर बनाए ताकि वो नेतृत्व बिहार की समस्या को हल करे। क्या लिफाफे में दोनों उम्मीदवारों के नाम थे जिनको राज्यसभा भेजा जाना है आरजेडी के तरफ? उस लिफाफे में क्या थे बताऊंगा किसी दिन, जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सबको यहाँ की समस्या से वाकिफ रखूँ। पर सर मैं सुनो, युवा राजद की बैठक थी, 1.5 घंटे मैं उसमें था, इसके बाद मुझे कागज भी तैयार करना था, पहली बार मैं कंप्यूटर रूम में जाके बैठा हूँ, समझ लो कि क्या चीज़ है।
मतलब कुछ बड़ा है उसमें। बड़ा नहीं था, तुम्हारे दिमाग से भी बड़ा और बिहार को बड़ा बनाने के लिए हमारे कार्यक्रम थे। पर ये चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं और सत्ता पक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि मीसा भारती राजद की अगली नेशनल प्रेसिडेंट हो सकती है। मैंने नहीं देखा, इधर राजद का विचार नहीं विषय है। बिहार की जनता ने तेजस्वी को नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, आने वाले दिनों में बिहार का वो मुख्यमंत्री है, कुर्सी के लिए नहीं, बिहार की समस्याओं के निदान के लिए। नौजवान में जो क्षमता है, ज़्यादा कोई क्षमता का अपना प्रदर्शन करके रख दे, ये तो कागज देखते हैं कि कितना तो कागज में लिखा हुआ है कि कोई क्लास पास है। अरे दुनिया का समझ लो, राजनीति लोगों के विश्वास की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसे राजनीति में आगे जाना है जनता के विश्वविद्यालय से प्रमाणित होना चाहिए। वो प्रमाणित नेतृत्व, उस जनादेश जिसको लूट लिया, और ये लुटेरे ये दुनिया भर के इधर से उधर चर्चा करते रहते हैं। मेरी सुनो अंतिम बात, राष्ट्रीय जनता दल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी आंदोलन जिसको कर्पूरी ठाकुर ने विचारों को सींचा, जिसको लालू प्रसाद जी ने मजबूत किया और जिसके विश्वास किया है बिहार की जनता ने, समाजवाद का झंडा इसी नौजवान के हाथ में रहेगा तो समाजवाद आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। वो हमारे दल का भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं, बल्कि बिहार का भविष्य है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो, कहीं कोई विषय नहीं है, आप लोग कृपा करके ये मत तलाशा करो। कौन यहाँ वहाँ, यहाँ पार्टी में कभी देखा है मतभेद का? इस पार्टी में मतभेद कैसे होगा? नीतियों में मतभेद हो जाए तब नेतृत्व में मतभेद होता है, नीतियाँ एक है। कोई बतावे तो नेता किस नीतियों से अलग है क्या? एक से एक वरिष्ठ लोग, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जिसने काम किया, समाजवाद का झंडा बचपन से लेके चल रहे हैं। इसलिए जरा समझना चाहिए कि राजद कोई बटोरुआ पार्टी है और बझौआ पार्टी नहीं, इधर से उधर आ गया, या दंगाई उन्मादियों की पार्टी नहीं है, कमजोर गरीब गाँव वालों की पार्टी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।